Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your next lecture of the comprehension series, Make It Easy. And today we are going to take start with the exercise number 15. Your paragraph number 15 is, the camel is rightly called the ship of the desert. Oont ko baja taur par sahara ka jahaz kaha jata hai. It is the best means of transport in deserts. Sahraon mein safar ke liye ye behtareen zariya hai. कैमल गो स्लो, ऊँट आहिस्ता चलते हैं, बट दे गो ऑन वॉकिंग फॉर आवर्स ऑन द बर्निंग सैंड, लेकिन वो जलती हुई रेत पर घंटों चलते रह सकते हैं, एंड इन द ब्लेजिंग सन, और सूरज की झुलसा देने वाली शुआओं में. कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, ऊँट बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, मच हैवियर इन वेट देन एनी अदर बीस्ट ऑफ बर्डन कैन, किसी भी बारबरदारी के जानवर से कहीं ज़्यादा वजन ये उठा सकते हैं. वाइल द अदर एनिमल्स फीट सिंक इन टू द सैंड, जहाँ पर दूसरे जानवरों के पाँव रेत में धंस जाते हैं. नेचर हैज़ मेड द फीट ऑफ द कैमल सच दैट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर इट टू वॉक ऑन सैंड, तो फितरत ने ऊँट को ऐसे बनाया है कि उसके पैरों के लिए रेत पर चलना मुश्किल नहीं. द कैमल इज सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स, ऊँट बाकी तमाम जानवरों से बेहतर है, बिकॉज इट कैन गो विदाउट फूड एंड ड्रिंक फॉर डेज एंड वीक्स, क्योंकि ये दिनों और हफ्तों तक खाए पिए बगैर चल सकता है. इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर, ये खाने को और पानी को जखीरा कर सकता है. इट्स हम्प इज आल्सो अ स्टोर ऑफ फूड, इसका कोहान भी खाने का एक जखीरा होता है, विच द कैमल यूज व्हेन दे गॉट नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर मैनी डेज, जिसको ऊँट तब इस्तेमाल करता है जब उसे कई दिनों तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता. इन डेजर्ट्स ओनली बुशेज ग्रो हेयर एंड देयर एंड द कैमल कैन लिव ऑन दीज, सहराओं में यहाँ वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही उगती हैं और ऊँट उन पर जिंदा रह सकते हैं. कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. फर्स्ट आंसर, इट इज द बेस्ट मीन टू ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट्स. सेकेंड इज इट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. इट गो ऑन वॉकिंग फॉर आवर्स ऑन द बर्निंग सैंड एंड इन द ब्लेजिंग सन, so it is called the ship of deserts. Number 3, what difficulty do the other beasts or burden have to face while walking on the sand? The other animals' feet sink into the sand. Next, why does a camel walk easily on the loose sand of the desert? The nature has made the feet of camel such that it is not at all difficult for it to walk on sand. Next question, what special quality makes camel superior to the other animals used for transport? And its answer is, the camel is superior to all other animals because it can go without food and drink for days and weeks. Next question, how does the camel go without food and water for days and weeks? It can store food and water. Its hump is also a store of food, which the camel use when they get nothing to eat and drink for many days. Last question, what does the camel generally live in? And the answer is, in deserts only bushes grow here and there and the camel can live on these. अच्छा बच्चों, आपको पेपर में इसके पांच ही क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो पांच क्वेश्चंस भी होते हैं ना, उनमें से भी मोस्टली आपको पहले पांच ही आते हैं. सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस, बट इट डजेंट मीन कि आपको आगे वालों में से नहीं आ सकता, लेकिन मोस्टली आपको एक्सरसाइज के पहले पांच क्वेश्चंस ही आते हैं, पांच ही आने हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स इन योर क्वेश्चन पेपर, टू फॉर ईच क्वेश्चन. तो फाइव क्वेश्चन होते हैं हर पैराग्राफ के नीचे, एंड यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.